अच्छी लगी तभी वीडियो को आप लाइक और शेयर करिएगा देखिए नीट पीजी 2021 में चौदह यानी 1456 एक सीट पे भरने के लिए बी काउंसलिंग कराने की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है तो सीधे तौर पर कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये याचिका डाली गई थी चौदह सौ सीट के लिए काउंसलिंग कराने के लेकर उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है और साथ ही कहा है कि विशेष काउंसलिंग ना कराने का सरकार और चिकित्सा परिषद का फैसला मनमाना नहीं कहा जा सकता ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है ये सफाई एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको बताया गया कि ये जो है चिकित्सा परिषद और सरकार के फैसला का मनमाना नहीं कहा जा सकता है जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा ये याचिकाएँ नीट पीजी जी जो भी छात्र इस याचिका में शामिल हैं उनको बाखूबी पता होगा जो हमारे नए छात्र हैं वो जो है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे को सब्सक्राइब कर लें देखिए दो हजार इक्कीस की परीक्षा देने वाले और काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले डॉक्टरों ने दायर की थी ये जो याचिका थी सर्वोच्च अदालत ने कहा कि छात्र अकादमिक सत्र के करीब एक साल और काउंसलिंग के आठ से नौ चरणों के बाद उन खाली सीटों पर दाखिले की मांग नहीं कर सकते सीधे तौर पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है जिनमें से ज्यादातर नॉन क्लीनिकल हैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि नीट पीजी 2021 में अखिल भारतीय कोटा के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग की सीमा तय होनी चाहिए यह था पूरा आपके नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सीधा डिसीजन आया है आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए तो ये थी सारी विशेष जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी अभी आई है आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग